नई युवा पीढ़ी को पुलिस विभाग में अलग अलग पदों पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी पुलिसकर्मी को असली एसटीएफ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से फर्जी आईडी कार्ड, नकली पिस्तल, खाकी वर्दी और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दरअसल इंदौर एसटीएफ पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी पुलिसकर्मी द्वारा युवाओं को एसटीएफ और क्राइम ब्रांच में नियुक्ति दिलाने के नाम पर रुपए ऐंठे जा रहे हैं। सूचना पर गोमटगिरी स्थित पहुंची टीम ने पुलिस की वर्दी में घूम रहे एक युवक से पूछताछ की तो उसने पहले अपने आप को पूर्व एसटीएफ में उप निरीक्षक बताया, जिस पर एसटीएफ पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची, जहां सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम रोहित शर्मा बताया, जो नई युवा पीढ़ी को 8 से 10 हजार रुपए के लिए झांसा देकर पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। पकड़े गए आरोपी से एक नकली पिस्तल भी मिली है, साथ ही खाकी वर्दी और एक फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में पूछताछ में कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। एसटीएफ इकाई इंदौर को एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदेही है रोहित शर्मा, ये एसटीएफ का अपने आपको अधिकारी बताता है और एसटीएफ और क्राइम के नाम पे बैक ऑफिस में भर्ती का बता के और नवयुवक युवतियों से धोखाधड़ी कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल एक टीम लगाई गई और टीम के द्वारा इसकी पुष्टि की गई सूचना की और इस व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया गया और इस संबंध में एसटीएफ ने एक प्रकरण इसके विरुद्ध अपराध मंजीबद्ध किया है और रोहित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक 2012 का डेट अंकित एक नकली आरक्षक का आईडी मिला है, जिसमें वर्दी में इसको दिखाया गया है, वर्दी और टोपी मुनों में है। और इसके अतिरिक्त इसके पास से 2 वायरलेस सेट और जो पुलिस की एक ट्रैफिक वाली भी टोपी और वर्दी इत्यादि भी जब्त की गई है व कुछ प्रपत्र भी जब्त किए गए। अभी तक की जो पूछताछ हुई है इसमें इसने करीब 20 से 25 युवक युवतियों से प्रत्येक से भर्ती करने के नाम पे 8,500 रुपये लगभग लिए हैं और इस प्रकार कुल करीब 1.5 से 2 लाख का हिसाब अभी तक क्लियर हुआ है, जो इसने बेरोजगार लड़के और जो नवयुवतियाँ हैं उनसे बैक ऑफिस के काम के नाम पर ये बता करके कि एक टेंडर निकला है और मैं आपकी नौकरी लगा दूंगा, इस तरह धोखाधड़ी की है। क्योंकि इसने ये जो नकली आईडी, फर्जी आईडी वगैरह का भी उपयोग किया है, इसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज इसको प्रस्तुत किया गया है और दिनांक 27 तक का इसका पुलिस रिमांड प्राप्त हो चुका है।